आइए मैं प्रथम आपसे निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा जो भाई बाउंड्री पे बैठे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर छू के निवेदन है, वहां से खड़े होकर यहाँ आ जाओ। हाथ जोड़ सकता हूँ, पैर छू सकता हूँ, उससे बड़ा मेरे पे कोई हथियार नहीं है। भैया मैं तुमसे भी, आप इधर आ जाइए, देखिए आनंद लिया जाता है बड़े भैया, आनंद लिया जाता है न कि आनंद, आनंद काउ के बाप को नौकर ना आवे आवे। तो मैं निवेदन है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे कैसे कर रहे हो, कैसी बात है बताओ भैया। हाँ आ जाओ, बीडी मत सटका ना, आ जाओ तो। हाँ साहब एक बार आप भी आ जाइए, हाँ साहब एक बार कह दो सच्चे दरबार की, मैंने सुन ली, मैंने काकन की सुन ली, अपनी सुन ली, निकी सुन ली, और तुम्हारी सुन ली। हेलो हेलो, हाँ साहब हेलो डीज, हेलो सर। दोस्तों बहुत ही सुंदर स्वच्छ नंबर गाया बड़े भाई पहला जी ने, क्या कहना, बहुत ही सुंदर स्वच्छ नंबर गाया है। आधी रात का भी जवाब दिया भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य बता रहा हूं, पहला तो भाई ज्यादा मैं कटाच नहीं करूंगा, सिर्फ जो हकीकत बात है वही कहूंगा। सत्य बताइए, जब घरते जा रहेगा बिल्ली बिल्ली आएगी तो काटी, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी आज बिल्कुल भंग है हर तरीका की। मैं कहूं तो कहूं क्या तुमसे, लॉकडाउन रात के 12 बजे गए हो, कम से कम तुमको कोई बता ही नहीं है। आइए बेटा, जे आंगनबाड़ी के बच्चे हैं इनको नॉलेज नहीं, बात घोषणा की हो रही है, बात घोषणा की हो रही है, बात को समझने की कोशिश करो, ये रसियाबाजी है। हाँ साहब आधी रात बहुत अच्छी आए थी, और बुद्धि भंग तो न्याय रही है कि माने अंग कौन सा पकड़े हो, जो बात है अब मैं कितनी बार पहले ही बता के जा रहा हूं, अंग छूने की उसको जरूरत ही नहीं थी, क्यों वो स्वयं गई थी। बात को समझो फिर दोबारा से, जो सीता नहीं थी वेदवती थी, ये भी आप कह रहे हो, ये भी बात सही है, यहां इस बात को गौर करो। बिना उसकी मर्जी के रावण उसको लेके जा नहीं सकता था कभी, क्यों, अगर हाथ की बात छोड़ो, अगर उंगली भी छिपा देता, मैं पहले भी कह गया था, फिर कह रहा हूं, अगर उंगली भी लगा देता ना तुरंत भस्म हो जाता रावण वहां पे, है क्या ना समझाऊं, भस्मासुर हुआ था। आइए मैं ज्यादा कटाच नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद समझदार हो, एक एक नंबर हुआ है, बात तो सब कुछ मालूम पड़ गई, कौन कितने पानी में क्या है, मैं कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या कहूंगा आपसे। हाँ बेटा, फुल जानकारी हो गई है। एक एक बात इन्होंने गाई है बहुत अच्छी, बात बहुत अच्छी गई है, आजारे कन्हाई तेरे भक्त हो बेकल रहे हैं, बेटियों की लाज लुट रही है, पुजारी भी जिंदा जल रहे हैं, पुजारी तो जिंदा जो जलेंगे, पुजारी हटक आए है तो आसाराम रह गए भैया, बताओ बात सही है गलत है, बात दिमाग से लिखो, अब पुजारी हटक आए, उनको जलाने की भी जरूरत नहीं, तो आसाराम और राम रहीम रहेंगे तुम्हारा जीतू भाई, उनको तो जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दफना दिए जाएंगे। और वही काफिया मैं गा रहा हूँ, वही काफिया को तुम गा रहे हो, आइए काफिया बसते हुए सर्वप्रथम मां साहब रंग बसंती बजाओ पहले दिन।
अंग बसंती और ढंग बसंती सिर्फ दुनिया गाती है। हर कलाकार का गाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। बड़े भैया रंग बसंती अरे ढंग बसंती और रंग बसंती छा गया फिर क्या हुआ अब तुम्हारी समझ में आया तो कह दूंगी एक बात कह दूंगा ना अरे रंग बसंती छा गया अब इनका भी नंबर देखो सुनो पहले इनकी ख्वाहिश पूरी फिर क्या ख्वाहिश पूरी हाँ सर सही बात है गलत है इनकी तरफ भी देखना है तुम्हारी तरफ भी देखना है क्या पहला तो भाई जो दुख भगवान देता है जो दुख भगवान देता है वो टरे ना तारे हैं जो भगवान दुख देता है वो टरे ना तारे हैं और देखो ताली तुमको मेरी जान इलम हुनर से क्या मारे तुम तो वैसे ही हालात के मारे अरे मन में वो नहीं लजाया काफी अभी देखो हटके आएगा बिल्कुल काफी बिल्कुल हटके आएगा अरे मन में वो नहीं लजाया राम नाम छाया ने गाया मद में रावण बो बोराया सुनिए मागन की बाईवी पे आए के सपेरो रोयो पिता दे सहारो रोजगार चल जाएगो मैं जोर रहा हूं ते हाथ क्यों जीतू भाई एक बात कह रहे सुनो पहला तो भी एक बात कह रहे कि तुम अपने बंश की बता करेंगे तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है तुम अपनी पहचान जी बताई कि तुम्हारी पहचान बताइयो पहला तो भाई मुझे अपनी पहचान बचाने की जरूरत नहीं है अब जे तो सुबह तो गांव की पब्लिक बता भी जाओ तो गली में निकलोगे ना अरे यार ऐसा ही काम होता तुम यार सही बात है गलत है मैं ना बताऊंगा जो चाहे गांव की पब्लिक बता देगी हकीकत कहता हूँ नागन की पानी पे आए के सब पेरो रोयो दे दे सहारो रोजगार चल जाएगो जिंदा जा छोड़ वहीं आ जा अब जियो के टावर भरपूर आ रहे तो तुम मना कर रहे यार सही तो बात है देखिए मर्यादा का काम चलने दो प्रेम से हाँ बेटा नागन की पानी पे आए के सब पेरो रोयो दे दे सहारो रोजगार चल जाएगो भूखो कुटम पर बार मेरे भाई बंधु प्यारे सहारे तेजे सब पर जाएगो नागन के दे बताने दे दे दया कोटा ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो अरे ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो नागन के दे बताने अरे ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो अरे ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो ले जा सब पेरे तेरो ले जा सब पेरे तेरो ले जा सब अरे ले जा सब पेरे तेरो काम बन जाएगो नागन के संग में नागन के संग में तेन जो दगा करी नागन के संग में तेन जो दगा करी ऐसा फन मारे तू तो हारे मर जाए तो देख मन में वो नहीं लजाया देखो काबिया राम नाम छाया ने गाया मद में रावण बो बोराया गलत गलत नजरिया डारी गलत नजरिया डारी और देखो जनता पहले बोल रही गलत नजरिया डारी ऊके दुनिया ऊके दुनिया सारी ऊके दुनिया सारी और तुम बार बार कह रहे हो कौन सा पकड़े हो तुमने तो मैं मन में कहा कह रहा हूं तेरी तेरी सुन के रह गए हो तंग में
और देखो फिर ताली, ऐसे काफिया घट गया मत मेरी जान। तेरी सुन के रह गयो तंग में चाचा, वो तो आज ऐसी लग रही है कटाई बिल्ली गई काट गई है, बुद्धि है गई बिल्कुल भंग। प्यारी तेरी सुन के रह गयो तंग में, और फिर मैं कह रहा हूं ना सी आ गई वो संग में, तेरी सुन के रह गयो तंग में, तुम बैठे हो बुद्धि भंग 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 में। और सुनो, पहले तो कह रहे कि संग में मुझे गाय का रहे, मां कह रहे वहां भाई जटायु से जंग है, अब जब मैं कहां भूल गए। बेहद भाई गौर करिए बात पर, आप कह रहे थे अंग में ढंग में संग में चल रही कि नहीं चल रही, और अब तुम अपनी काफिया भूल गए, अब कह रहे हो वहां भाई जटायु ते जंग जिकाय। अरे फिर ऐसे लेके आओ, तेरी सुन के रह गयो दंग में, और ताली बजा के तुम बैठे हो बुद्धि भंग में, तुम बैठे हो बुद्धि भंग में, तुम बैठे हो बुद्धि भंग में, तुम बैठे हो बुद्धि भंग में। चलते रहो क्योंकि आनंद दिया जाता है। दो लाइन सुना दू तुम्हारी जाते हैं तो, हाँ साहब सुना दू चाचा, आज की रात तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें आनंद जरूर दूंगा। पहला तो भैया मेरी जान, मैं कभी बढ़कर के बातें नहीं करता हूं, क्यों जो बात दूध का दूध और पानी का पानी है, पब्लिक बैठी है सब बात जानती है, कौन कितने पानी में क्या है, क्योंकि जब जब तुम हमसे टकराओगे मेरी जान तुम्हारा यही हाल होता है। अब या तो तेरा दिना फिना खराब हो या पर हमारी इतना खराब होना। देख के कोई गाने का आनंद उठा और अब मस्ती अच्छी खासी आ रही है, कितना नाजुक है बच्चा, कितना नाजुक है बच्चा, कितनी ऊंची उड़ान रखता है, कितना नाजुक है बच्चा, कितनी ऊंची उड़ान रखता है, और दूध के दांत उखड़े नहीं हसीनों की तरफ ध्यान रखता है। लल्लू देख ढोंका देखो जाके देख सुने, अरे कब तक रूठेगी कब तक तू चिल्लाएगी, और जय कह रहा बात है दिल हसीना मान जाएगी, कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी। और ऐसे ना देखो एक लाइन हकीकत कह रहा हूं बड़े भैया, छछूंदर के सर पे बेटा, छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, और कह दूं छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, और तुम ही बोलोगे पहले कहां राजा छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, और नेका फेल लियो, नेका फेल लियो, कोई बात ना फेल लियो, मगर फेल लियो झुकेंगे हम तुम्हारे अगला कैमरा में। छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहां राजा भोज नजरिया डारी, गलत नजरिया डारी, और ऊके दुनिया सारी तेरी सुन के रह गयो तंग में, तुम बैठे हो पूती तुम बैठे हो पूती।
चुनाव हुआ, 100 रुपए का पुरस्कार आया है केरी भैया की तरफ से। एक बार कहते सच्चे दरबार की जय, गले साफ है सवेरे देखो पिटारी में डाल लू। हाँ साहब, हाँ साहब, दोनों बजाइए भाई, रात आदि आदि आनंद आ रहो को ना आ रहो, सवाल जवाब होंगे लेकिन आनंद के साथ। भाषा बजाइए, मुझे इश्क है तुम्हीं से। से जो निहारी तेने रात आधी आधी
दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। सुनिए आधी रात चाचा, आधी रात सुनिए। आधी रात का लोगों तुमको सुनाऊं झलसा, आधी रात का लोगों तुमको सुनाऊं झलसा, आधी पहला। तो भैया देखिए ऐसे मैं बड़ा गाने वाला तो नहीं हूं, लेकिन ऐसे तो देखो। आधी रात का लोगों तुमको सुनाऊं झलसा, और चाचा वो चोर चुराए के ले गए, चोर चुराए के ले गए सोने के वो कलसा, सोने के वो कलसा। कौन सी एक बात और गाई थी। पहला तो भाई मैं आपका छोटा भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात गाई, लेकिन मैं भी कोशिश करके गा रहा हूं। जरूर बेटा कोशिश करना, पादा मत करना, क्योंकि कोशिश सफल होती है, पादा टूट जाते हैं। एक दुखियारी कहे यूं रोते रोते, कभी इस संगीत लाइन में पैरा भाई
संगीत लाइन में कभी किसी से बुराई छलक पर द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कलाकार है वो कलाकार है और कलाकार ही रहेगा। जिसमें वो गुण है उसमें वो गुण रहेगा। मेरे ऊपर प्रहलाद भाई की अत्यंत कृपा और मैं अपने मुख से क्या कहूं, आप भी जानते हो। बड़े भाई अखाड़ा बिप, बड़े भैया रामवीर जी की कृपा मेरे ऊपर बहुत बहुत है। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाएंगे उनके स्वागत में आप लोग। क्योंकि कोई बनता ना हो, सोना तो सोना होता है, होता है कि नहीं। हाँ बेटा कैसे, एक दुख आई तेरी। बेटा हमें कहीं भाजना नहीं है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। चाचा भैया कह रहे थे आ जा रे कन्हाई, तेरे हो भक्त बेकल रहे हैं, बेटियों की लाज लुट रही है और पुजारी जिंदा जल रहे हैं। बड़े भैया चाय वाले हो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चाय को रख दीजिए प्लीज, आपसे पांच मिनट के लिए आप चाय रख दीजिए। मोदी के आदमी हैं, इनसे कुछ मत कहना। चाचा गाने को बड़े भाई पहला जी, आप उस भगवान के लिए पुकार कर रहे हो तो सिर्फ आप उस ईश्वर की आवाज सुनिए कि वो भगवान ईश्वर कह क्या रहे हैं। भाई युवा पीढ़ियो, युवा साथियों, युवा साथियों, आप गीत की तरफ गौर करें क्योंकि आपने गीत सुना उसका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। शांति बनाइए प्लीज, शांति बनाइए, क्योंकि जवाब जब समझ में आएगा तब आप शांति बनाइए। भैया शांति बनाओ, अगर ये बार कर देंगे तो हम भी बार कर देंगे, अगर ये बार कर देंगे तो हम भी बार कर देंगे, और हम कमजोर समझेंगे तो फिर धुआंधार कर। बेटा धुआंधार होगी जब होत रहेगी, अब जिंदगी का धुआंधार करोगे सही साथ रखो। चाचा धुआंधार वाले तो अलग होते बेटा, यहाँ तो टाइम पास कर ले, रात काट ले चुपचाप। हेलो, लिसन टू मी व्हाट आई से प्लीज। पहला तो भैया शांति, मैं शांति चाहूंगा। पीने वाले खूब पियो, तुम सुबह पियो चाहे शाम पियो, चुप चुप के पीने से क्या फायदा, पीनी तो खुले आम पियो। रम बिस्की बियर पीने से क्या फायदा, पीना है तो राम नाम का जाम पियो। जियो मेरे लाल जियो। भैया कह रहे बेटियों की लाज लुट रही है और पुजारी जिंदा जल रहे हैं, क्यों गौरव भैया? बड़े भाई रामवीर जी दो बात कहते हैं, पैदा हुए कुछ भारत में आपस में मतभेद करते हैं और जिन हड़ियों में खाते हैं ये उन्हीं में छेद, क्यों क्यों? बड़े भाई सुनिए, हमने कभी भी किसी पे, उन ऋषि मुनियों ने कभी किसी पे गलत नजर नहीं डाली है,
गलत नजर नहीं डारी है। बड़े भैया तुम कह रहे पुजारी जिंदा जल रहे, अब पुजारी कहां रहे, अब तो आसाराम रह गए, वो पुजारी नहीं है। अगर सुनिए, अगर भगवान श्याम को तुम बुला रहे हो, हेलो, अगर भगवान श्याम को तुम बुला रहे हो रक्षा के लिए, तो आसाराम राम रही मत बनो, ऐसे पुजारी मत बनो, ऐसे बनो, सुनो क्या बनो, राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे अंतरा के माध्यम से। राजा सबरी से तू पहला भैया बन्नो भाई, आपका छोटा भाई गौर करिए, बात को लिखने की कोशिश की है, भाई रामवीर जी की कृपा से आशीर्वाद है उनका। सबरी से तू भाव बना ले तो आंगन में राम मिलेंगे, ओ सबरी से तू भाव बना ले तो आंगन में राम मिलेंगे। पुजारी तो जिंदा चलेंगे क्योंकि आसाराम राम रवि रामपाल बन रहे हो, ये बनो क्या, सबरी से तू भाव बना ले आंगन में राम मिलेंगे, हो सबरी से तू भाव बना ले आंगन में राम मिलेंगे। ओ पहला भैया मीरा की तरह, मीरा की तरह तू पिसको पी जा, तब मिलेंगे श्याम जब रखा के लिए आएंगे। चाचा सही बात है, गलत है, गोल्ड बनने पर सो पता ना तू जामन की उल्टे कर्मों से नहीं मिलेंगे। एक मीरा की तरह तू पिसको पी जा तो प्याले में श्याम मिले, और मेरी सिर्फ चार लाइनों की मेहनत बराबर पड़ी है, तुम तो ऊपर जा रही है। हाँ चाचा, सिर्फ कृपा है बड़े भाई रामवीर जी की, हनुमान अब पीर दिखाया कोई सीना चीर दिखाया, कोई सीना चीर दिखाया। और तुम कह रहे हो कि आजा, तुम आजा, अगर भक्त होगा ना कोई भक्त सच्चा तो सुनो भगवान क्या कह रहे हैं बेटे, हनुमान अब पीर दिखाया कोई सीना चीर दिखाया, इलाज बचाने मैं तो दौड़ा दौड़ा आया, इलाज बचाने भगतों की इलाज बचाने मैं तो दौड़ा दौड़ा आया, भगतों की इलाज बचाने मैं दौड़ा दौड़ा आया। पूछना चाहूंगा कि जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भक्तों की लाज बचाने मैं दौड़ा दौड़ा। अब दूसरा बंद सुनिए, फिर मिलान पर आऊंगा, मैं फूल पर आऊंगा इनके भाई के जवाब देते हुए। दूसरा बंद सुनिए, आप तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होगी। पहला तो भाई नरसी की बो, नरसी की बो, नरसी की बो बिटिया रामा, अरे नरसी की बो बिटिया रामा, अरे भात कष्ट में ढो नरसी की बो बिटिया
चाचा नरसी की वो भाव बनाओ तो ऐसे बनाओ दिल के अंदर नरसी की वो भाव तो भीतर रामपाल के भगवान देख रहे प्रभु लाज बचाए भी आ जाओ बताइए नरसी की वो बिटिया रामा भरे भात कष्ट में ढो कष्ट में ढो मिल जाए कर कोई सुदामा ताली देखना मिल जाए कर कोई सुदामा तो आसुअन से जोर ताली चाहूंगा आप तालियां